हेलो हाय आदाब सत श्रीकाल, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आपका हमराज आरजे अवनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज मेरे साथ है SOCS स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज की स्टूडेंट दिया, जो कि हैं अभी सेकंड ईयर में। तो आज वो हम लोगों के बीच में आई है एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर। एक्चुअल में व्हाट इज़ द फेमिनिज्म, वो उसके बारे में बात करेंगी, कुछ कहेंगी और काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी उन्होंने इस स्पीच के लिए यूज़ किए वो बताएंगी। व्हाट इज़ द इक्वलिटी, इसको लेकर किस तरह से समाज की सोच है और उनको किस तरह से काम करना चाहिए, इस सब को लेकर बात करेंगी। अगली आवाज़ होगी दिया की। हम यहाँ पर दिया का वार्म वेलकम करते हैं, मैं खुद वेलकम करता हूँ उनका, एंड उसके बाद हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दिया, हाउ आर यू एंड यू कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन, और आप कैसे हैं? आई एम फाइन, गुड टू सी यू हियर। थैंक यू सर। सो प्लीज आज आप क्या कहने वाले हैं, आपका क्या मैसेज है, शुरुआत करते हैं। दीजिए, जेंडर इक्वालिटी के बारे में जितना मुझे हम लोग मतलब हम देखते हैं जी। तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ फेमिनिज्म को ही रेस करना नहीं है, उसके बारे में ही बात करना नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं कि वर्क प्लेस में वुमेन्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। एक हद तक हो भी सकता है, बट सिर्फ वुमेन्स के बारे में ही नहीं है। जेंडर इक्वालिटी मतलब जेंडर मतलब मेल एंड फीमेल दोनों आ जाते हैं, एंड इवन ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी मैं बोलूँगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ जेंडर, एंड वी शुड appreciate them, and we should, you know, encourage them, motivate them. So gender equality is not only limited to women; it is of all other genders also. So यही है मतलब, और feminism का नारा हम लोग नहीं लगा सकते, and उन्हीं को उनके बारे में ही नहीं बोल सकते। तो अगर male के बारे में हम बोला जाए, तो सबसे पहले तो आज के ज़माने में mental illness जो है वो कॉमन है, इवन फीमेल्स में भी। बट फीमेल्स का हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं तरीके से हम उनके बारे में, या जब सोचते हैं तो हमें भावुकता आती है, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग फीमेल्स का। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मेल के बारे में जब वो बात करते हैं मेंटल इलनेस के बारे में, तो हम उन्हें क्यों इस तरीके से देखते हैं कि मतलब वो मेल है तो उन्हें दर्द नहीं होगा, वो मर्द को दर्द नहीं होगा। बॉलीवुड वो एक जो टिपिकल लाइन है जिसको हम लेकर नाइसली एक्सप्लेन द पॉइंट दिया आपने, अच्छा किया ये पॉइंट उठाया। इवन मैं भी इसके बारे में यही सोचता हूँ, और थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, दोबारा आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा कि अगर अरे क्या कर रहा है यार, अगर सड़क किनारे हम किसी मर्द को देखते हैं रोते होते कि क्यों रो रहा है, मर्द है, बी अ मैन। तो मैं हमेशा वही सोचता था कि मतलब मर्द को क्या दर्द नहीं होगा, और बी अ मैन कहकर आप कहते हो कि रोना, अब वो भी इंसान है, मर्द भी एक इंसान ही है, मेल तो वो भी रो सकता है, क्यों नहीं रो सकता है। और ये तो एक प्योरेस्ट इमोशन है कि अगर आप इंसान है तो हंसेंगे भी, रोएंगे भी, गुस्सा भी आएगा, आपको परेशानी भी होगी, आपको भी बीमारी हो सकती है, सिर दर्द हो सकते हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल। सो ये है, एंड प्लीज ऑल्सो टेल अस अबाउट दैट। सो मैं यही उसके आपका पॉइंट एलाबरेट करना चाहूँगी कि मेल को भी मतलब यू नो बॉयज़ को भी या मेल्स को भी हो सकता है प्रॉब्लम, एंड दे शुड बी ओपन अबाउट इट। इवन सोसाइटी को उनको एनकरेज करना चाहिए कि इफ़ यू आर क्राइंग दैट इज़ ओके, सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता है रोना, यू कैन ऑल्सो, दैट इज़ अ नॉर्मलाइज थिंग, हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए उस चीज़ को। एंड सो यही है, जैसे हमने LGBTQ बोला है, तो ये ट्रांसजेंडर के बारे में है, जब हम उनको भी ये मतलब एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो मेल पीछे क्यों रहे। तो जेंडर इक्वालिटी इज़ ऑल अबाउट एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग ऑल द सेक्स ऑफ जेंडर, वेदर इट इज़ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स। अगर वर्क प्लेस में अगर आप बोल रहे हैं फीमेल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि दैट इज़ मेल डोमिनेंट सोसाइटी और फीमेल्स को नहीं दिया जाता है। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि फीमेल्स शुड ऑल्सो गेट स्पेस एंड प्लेस, दैट इफ दे आर रियली, अगर वो लायक है उस चीज़ को, तो उनको भी उस पोजिशन के लिए कंसिडर करना चाहिए। ऐसे नहीं ओनली मेल्स कैन डू दैट। एंड अगर देखा जाए तो क्रिकेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। पहले से देर वॉज ओनली बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, एंड इट वॉज से वो था कि अगर क्रिकेट है तो इट इज़ अ बॉयज़ गेम, बट नाउ बहुत सारे फीमेल क्रिकेटर्स हैं जो यू नो दे आर प्लेइंग वेल फॉर आर कंट्री। इवन हमारे कॉलेज में देर वॉज VPL, WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इवन बाद में तो कुछ ऐसे भी मैच किए गए, वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि जहाँ पर डिसेबल्ड लोग हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं साथ में, उनकी पूरी टीम होती है जी। कंटिन्यू। सो यही है मतलब,
अगर इक्वल स्पेयर में सबको इक्वालिटी दिया जाए, अगर बोलते हैं कि रेस करना है, अगर हम बोलते हैं बच्चे पालना वैसे माँ का काम नहीं है, तो हम फादर्स जब वो करते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, हम ये क्यों नहीं बोलते कि फादर्स आर दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू नो फैमिली एंड दे ऑल्सो कैन रेज अ चिल्ड्रेन एज वेल एज अ वुमेन कैन डू बेटर वेज. सो बिकॉज पेरेंटिंग इज बोथ साइड बैलेंस, अगर पेरेंटिंग करते हैं तो वुमेन्स एंड एंड मॉम एंड फादर बोथ आर इन पार्ट ऑफ दैट पेरेंटिंग. सो आई फील दैट जेंडर इक्वालिटी इज ऑल अबाउट इक्वालिटी विद इन द जेंडर्स, नॉट ओनली अबाउट फेमिनिज्म, नॉट ओनली अबाउट रेजिंग क्वेश्चन दैट वाई वुमेन आर नॉट गेटिंग जॉब, वाई वुमेन आर नॉट यू नो गिवन इक्वल राइट्स, बट इट इज ऑल अबाउट गिविंग एंड शेयरिंग एंड लिविंग ईच अदर विद ईच अदर हैप्पीली एंड दैट्स ऑल अबाउट आई वॉन्ट टू से टूडे. सो बी हैप्पी, लिव पीसफुली एंड इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो तो हमारे हिस्ट्री में सदियों से चली आ रही है इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी. सो या थैंक यू सो मच. तो ये थी मेरे साथ दिया, आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी है. थैंक यू सो मच दिया, यू केम. और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी ऐसे कई सारे इश्यूज हम लोगों के बीच में लेकर आती रहे, मुद्दे हम लोगों के बीच में आते रहे लेकर आप, जिससे कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले और दिया किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचती है वो भी हमें जानने को मिले. तो थैंक यू सो मच, यू केम हेयर. और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली आज. ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बने रहिए हम लोगों के साथ, मेरे और दिया के साथ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिया.